हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में आपके लिए है रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। फ्रेंड्स, स्फेरिकल मिरर मैंने आपको इससे पहले समझाया है पहले वाले वीडियो में, उसमें टू टाइप्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉनवेक्स। तो अभी मैं आपको कॉनकेव द्वारा यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो रे डायग्राम बनता है तो उसके रूल आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें फोर रूल रहते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको फर्स्ट रूल बता रहा हूं। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से ये टर्म्स होते हैं, यहां पर पोल होता है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल है तो उसका हम डायग्राम लेंगे। डायग्राम से रूल को लिखेंगे। तो सपोज कीजिए फ्रेंड्स, कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये मान लीजिए हमारा मिरर है। तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होती है। फ्रेंड्स, ये रूल हो गया फर्स्ट, कोई भी रे प्रिंसिपल और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। फ्रेंड्स, इसमें आपको ये चीज याद रखना है कि ये रे पैरेलल होनी चाहिए, फिर चाहे वो दूर कितनी भी हो। पैरेलल मीन्स रेल की पटरी की तरह जिनकी दूरी समान रहती है उसे हम पैरेलल बोलते हैं। तो ये पैरेलल होना चाहिए, फिर अगर दूर होगा तब भी ये कहीं भी होगा मिरर पर, उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पर ही जाएगा। तो हम इसका रूल लिख सकते हैं, और रे पैरेलल टू द किसके प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। सेकंड रूल, इसमें भी हम डायग्राम पहले बनाते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कोई रे अगर फोकस को पास करते हुए मिरर पर आती है, ये हमारा मिरर है, मिरर पर आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट का अपोजिट मान सकते हैं इसे, इसमें पास करेगी फोकस से एंड पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो फ्रेंड्स, हम इसे लिख सकते हैं, रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम parallel to the principal axis, के parallel हो जाएगी। तो ये आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा, ये हमने दो रूल कंप्लीट किए, काफी इजी है। आप डायग्राम को याद रखिए, डायग्राम से आप रूल को लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम थर्ड रूल आपको बताते हैं, उसके लिए इसे इरेज कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं।
थर्ड रूल, इसमें भी हम डायग्राम पहले बनाते हैं, फ्रेंड्स देखिए हमने एक पहले एरर लिया फिर फोकस से लिया। अब हम सपोज कीजिए कोई रे है, वो रे अगर सेंटर को पास करते हुए मिरर पर पहुंचती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके सेम जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर ये वापस चली जाएगी। तो यहां रिफ्लेक्ट होगी और ये सेम उसी पाथ पर वापस मुड़ जाएगी। फ्रेंड्स यहां जो एंगल बनेगा वो जीरो होगा, याद रखिए इस जगह पे जो एंगल होगा वो जीरो होगा। और फ्रेंड्स हम कहीं भी, हम सेंटर से पास करते हुए कहीं भी इस साइड ले सकते हैं, इस साइड ले सकते हैं, किसी भी साइड अगर हम लेंगे जो कि जो रे सेंटर से पास होगी वो उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। इसको आप याद रखिए, ये एक तरह से नॉर्मल बन जाती है। इस पर क्या बन जाती है? ये नॉर्मल बन जाती है फ्रेंड्स। तो नॉर्मल पर कोई भी जो रिफ्लेक्शन का जो आपको बताया था मैंने रूल, उसमें नॉर्मल पर कोई भी रे आएगी तो वो बैक हो जाएगी, वापस उसी पथ पर जाएगी। तो उसी पथ पर जाने के कारण वो जीरो एंगल बनाएगी। फ्रेंड इस रूल को भी हम लिखते हैं, तो इस रूल को कैसे लिखेंगे देखिए, और रे पासिंग थ्रू द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं आप, विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन सेम पाथ, उसी पाथ पर वापस हो जाएगी। तो ये रूल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड। अब हम फोर्थ रूल को समझते हैं। तो सपोज कीजिए फ्रेंड्स कोई रे है और वो रे पोल पर इंसिडेंट होती है। ये पोल है यहां, यहां फोकस ले सकते हैं इस जगह सेंटर, तो पोल पर इंसिडेंट होती है जिसे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से सेम इक्वल एंगल बनाएगी। ये एंगल जो रहेगा और ये नीचे जो एंगल बनाएगी इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनाएगी वो सेम होगा। तो यहां ये प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएगी। तो इसे हम रूल के लिए लिख सकते हैं, और रे इंसिडेंट ऑन द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मेक इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। फ्रेंड्स ये हमारे फोर्थ रूल कंप्लीट हो गए, आप इन्हें फॉल करके लिख सकते हैं। अब हम रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम डायग्राम के हेल्प से आपको पहले समझाएंगे फिर हम उसका रूल लिखेंगे। कि सपोज कीजिए फ्रेंड्स पहला टर्म्स इसमें हम लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा तब
इमेज कहां बनेगी? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होगा तो उससे आने वाली रेज इस टाइप से होगी, पहले मिरर को देख लेते हैं, ये हमारा पोल है, यहां हमने फोकस लिया सेंटर। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जो भी रे इंफिनिटी से आएंगी वो फोकस पर पॉइंट बनाएंगी, फोकस पर मीट करेंगी, ये याद रखना, ये सभी रे फोकस पर मीट करेंगी। तो फ्रेंड्स हमें जो इमेज मिलेगा प्राप्त होगा वो यहां पर फोकस पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम इसके रूल लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो यहां हम आंसर लिखेंगे इमेज विल बी फॉर्म। तो इसके लिए हम थ्री कंडीशन लेंगे, पहला मान लीजिए पोजिशन, दूसरा होगा नेचर कैसा होगा, और तीसरा होगा साइज। ये थ्री टर्म्स लिए हमने यहां पर। तो फ्रेंड्स पोजीशन, तो हमें इमेज का पोजीशन बताना है, तो वो कहां है? एट एफ, एट फोकस। कहां बनेगा इमेज? फोकस पे बनेगा फ्रेंड्स। सेकंड है नेचर कैसा होगा इमेज का, तो जो हमें इमेज, जो ऑब्जेक्ट से हमें इमेज प्राप्त हुई है वो इमेज रियल होगी, कैसे होगी फ्रेंड्स? रियल होगी। एंड इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी वो? इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ये समझ लेना आप, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। साइज क्या होगा इमेज का, तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं साइज एक पॉइंट पर मीट कर रही है, ये पॉइंट साइज होगी। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हुआ, सेकेंड रूल पर। तो इसका सेकेंड टर्म क्या है वो आप देख लीजिए, हम इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे लेते हैं, सी और इन्फिनिटी के बिटवीन, बिटवीन कहां होगा? सी और इन्फिनिटी। तो हम इसे लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट मिला है, तो उसका मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? तो उसके लिए हम रीडायग्राम करते हैं, एक हमने पैरेलल लिया जो फोकस से पास होगा, दूसरी रे हमने ली जो सी से ले रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर सी से आएगी तो वापस सी पर ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स यहां जो हमें इमेज प्राप्त होगी वो ये जो दो क्रॉस कर रहे हैं यहां पर इमेज मिलेगा, और ये हो गया हमारा इमेज। मान लीजिए हमारा इमेज है ए एंड बी, तो हमें जो इमेज मिलेगा वो इस टाइप से होगा, उल्टा होगा उसका। तो फ्रेंड्स ये हमने दूसरा इमेज
जो बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, उसका इमेज प्राप्त किया जो सी और एफ के बीच में है। हम इसे लिखते हैं, इमेज विल बी फॉर्मेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन इमेज की क्या होगी फ्रेंड्स? तो पोजीशन आपको पता है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हमें ये इमेज प्राप्त हो रही है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है अगर ये ऑब्जेक्ट इधर उधर होगा तो, लेकिन हमें बिटवीन प्राप्त इसी के बीच में प्राप्त होगी फ्रेंड्स। दूसरा है नेचर। तो नेचर क्या है? नेचर समझ लीजिए कि ये रियल इमेज है एंड और इन्वर्टेड है। जैसा कि आपको दिख रहा है उल्टी है, तो हमें इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होगी और रियल होगी। साइज क्या होगा? साइज स्मॉल है, इससे इसका साइज स्मॉल है भी लिख सकते हैं, स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रूल भी कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं थर्ड, थर्ड रूल में अब हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं एट सी पर। तो यहां हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया है, अब इसका हम इमेज बनाते हैं। फ्रेंड्स इसका जो हमें इमेज मिलेगा वो यहां पर मिलेगा ए बी, फ्रेंड्स हमें देखिए इमेज मिला जो सी के पास ही होगा, यानी एट सी बोलेंगे हम इसे, और ये भी रियल और इन्वर्टेड है। तो हम इसको रूल के रूप में लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट में आएगा पोजीशन क्या होगा? जैसा कि हमें यहां दिख रहा है पोजीशन होगा एट सी, सी पर ही होगा। नेचर क्या होगा? नेचर भी हम समझ रहे हैं, देखिए ये रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा फ्रेंड्स। थर्ड है साइज क्या है? तो इमेज का साइज सेम साइज होगा, सेम साइज होगा फ्रेंड्स। तो हमने ये तीन रूल इमेज फॉर्मेशन के तीन रूल कंप्लीट किए हैं। अभी मैं आपको तीन रूल और बता रहा हूं फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम फोर्थ रूल, इसका फोर्थ टर्म्स देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बिटवीन लेते हैं, तो यहां लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगा वो देख लीजिए आप।
एक तो हमने एरर लिया तो एफ से आया, दूसरा हम सी से लेते हैं, तो फ्रेंड्स सी से जाने वाली कोई भी रे वापस उसी पाथ पर आती है। तो फ्रेंड्स हमें जो इमेज प्राप्त होगी वो यहां होगी, हमारी इमेज ये थी, वो सॉरी ऑब्जेक्ट ये था और इमेज यहां प्राप्त होगी। फ्रेंड्स इस रूल को भी हम इस रूल से देखते हैं इमेज का क्या कैसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट पर हमने लिया था पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या होगी फ्रेंड्स, तो पोजीशन होगी देखिए सी के पीछे प्राप्त हो रहा है हमें, तो हम इसमें लिखेंगे बियॉन्ड सी, सी के पीछे जाएगा ये। सेकेंड इसमें नेचर क्या रहेगा, तो नेचर रियल ही रहेगा फ्रेंड्स एंड इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड देखिए जैसा कि दिख रहा है आपको इन्वर्टेड है। साइज साइज देखिए फ्रेंड्स, साइज यहां ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा बनेगा, तो यहां लिखेंगे लार्ज बड़ा इमेज होगा, तो बिग साइज भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फोर्थ कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं फाइव टर्म्स की ओर। तो यहां पर फ्रेंड्स ये फिफ्थ कंडीशन है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को एफ पर लेते हैं, तो यहां हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो फोकस पे है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहां हमने एक सी से लिया है जो सी पर आएगा वापस, और एक पैरेलल लिया जो एफ से आएगा रिफ्लेक्ट होके। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों जो रे है वो पैरेलल जा रही हैं, तो हमें इसके लिए कंडीशन लिखनी होगी पोजीशन जो होगी फ्रेंड्स इमेज की वो एट इंफिनिटी होगी, सेकेंड पर हम नेचर देते हैं, तो फ्रेंड्स नेचर क्या होगा रियल होगी, रियल इमेज बनेगी एंड हाईली हाईली इनलार्ज बनेगी, काफी बड़ी इमेज बनेगी और रियल इमेज होगी, सॉरी यहां इन्वर्टेड रहेगा, इन्वर्टेड इन्वर्ट उल्टी होगी और जो साइज होगा वो हाईली होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला फिफ्थ कंडीशन जो थी वो भी क्लियर होगी, अब सिक्स लेते हैं फुल नंबर सिक्स इसका, तो इसमें हम जो इमेज लेंगे
जो इमेज लेंगे फ्रेंड्स वो हम पी और एफ के बीच में लेंगे, पी और एफ के बीच में लेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में है। फ्रेंड्स इसका इमेज कैसे बनेगा देखिए, पैरेलल लिया हमने फोकस से जाएगा ये, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, इन दोनों की जो दूरी है यहां पर वो फ्रेंड्स बढ़ती ही जाएगी। तो ये साइड तो कभी मिलेंगे नहीं, बट ये अंदर मिरर के अंदर ये मिरर के अंदर मिलेंगे और हमें इमेज यहां प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर हमें इमेज मिलेगी, तो इस कंडीशन को हम लिखेंगे पोजीशन। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं पोजीशन इमेज की कहां होगी, बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन जो है बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के अंदर होगी। नेचर क्या होगा फ्रेंड्स, तो नेचर समझ लीजिए ये मिरर के अंदर है तो इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी, यानी कि ये आवासी आवासी होगी और सीधी, जैसा कि देख रहे हैं आप यहां पर फ्रेंड्स। ये सीधी बनेगी यहां पर इरेक्ट रहेगी एंड वर्चुअल यानी आवासीय होगी, ये मिरर के अंदर बनेगी। और फ्रेंड इसका साइज, तो साइज आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है और ये बड़ा है। फ्रेंड्स ये हमने सिक्स कंडीशन जो इसकी थी वो कंप्लीट किए हैं, सिक्स रूल इसके कंप्लीट किए हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके